बीजक में सदगुरु कबीर ने एक रमैनी कही है, बढ़वत बढ़ी घटावत छोटी, परखत खरी परखावत खोटी, केतिक कहूँ कहाँ लौ कही, औरों कहूँ पड़े जो सही, कहे बिना मुही रहा न जाई, बिरही ले ले कुकुर खाई, खाते खाते युग गया, बहुरी न चेतहु आए, कहें कबीर पुकारी के ये जीव अचेत ही जाए। बढ़वत बढ़ी घटावट छोटी, बढ़ाने से बढ़ती है, घटाने से घटती जाती है, और घटते घटते पूरी तरह घटकर समाप्त हो जाती है। बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, बढ़ती जाएगी, कोई सीमा नहीं है कहाँ जाकर के रुकेगी, लेकिन घटाते जाओ घटाते जाओ तो एक दिन ऐसा समय आएगा जब पूरे के पूरे घट जाएगी और मिट जाएगी। क्या है? एक बुझौवल है। अब बुझौवल नहीं है, बात सीधी है। संत गुरुजन अनेक ढंग से हमें समझाते हैं, हमारी कमजोरियों को परखाते हैं और छोड़ने के लिए बल देते हैं, प्रेरणा देते हैं। जैसे यहाँ पर साहब ने कहा है, बढ़ाने से बढ़ती है, घटाने से घटती है, ऐसे ही संत लोग जिज्ञासु साधकों से उनको समझाने के लिए पूछते हैं कि ये बताओ वह क्या है जो रोज रोज घटती जाती है, घटती जा रही है, और वह क्या है जो रोज रोज बढ़ती जाती है, वह क्या है जो न घटती है और न बढ़ती है, और जो घटती भी है बढ़ती भी है, ऐसा क्या है जो घटती भी जाए और बढ़ती भी जाए, जो रोज रोज घटते जाए घटती जाए, वह है हमारी उम्र। रोज रोज हर पल हमारी उम्र घटती जा रही है। हम कहते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं, हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, लेकिन प्रत्येक पल हमारी आयु घटती जा रही है। मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसे 80 साल जीना है, एक साल जी लिया, एक साल पैदा हुए, एक साल हो गया, माता पिता समझते हैं कि हमारा बेटा एक साल बड़ा हो गया। बड़ा हुआ कि छोटा हुआ? 80 साल में एक साल घट गया ना, अब तो 79 साल जीना है। तो हमारी उम्र, हमारी जो आयु है,
हर पल हर क्षण घटती जा रही है, और घटते घटते एक दिन पूरी की पूरी घट जाएगी। आदमी जिस दिन जन्म लेता है, बच्चा जिस दिन जन्म लेता है उसी दिन से मरना शुरू कर देता है। उस दिन नहीं मरता जिस दिन मौत होती है, उस दिन तो पूरे के पूरे मर जाता है वह, लेकिन जन्म लेते ही मौत की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो रोज रोज जो घटती जाती है वह है उम्र, और जो बढ़ती जाती है वह है तृष्णा। तृष्णा लोभ रुकने का नाम नहीं लेते। जितना भोगों को भोगते जाओ, जितना पैसा बटोरते जाओ, और कि तृष्णा बढ़ती ही जाती है। क्योंकि आदमी संतोष नहीं रखता है, संतोष जहाँ नहीं है वहाँ तृष्णा, जैसे आप आग में घी डालें, जितना आप घी डालते जाएंगे आग की ज्वाला उतनी बढ़ती जाएगी। बस तृष्णा का यही काम है, जितने उसमें भोग की आहुति देते जाओ देते जाओ देते जाओ वो बढ़ती जाएगी। जो न घटे और न बढ़े वो क्या है, हमारा प्रारब्ध अदृश्य है। जिन कर्मों के फल भोग में ये वर्तमान जीवन का निर्माण हुआ है उसे हम घटा बढ़ा बिल्कुल नहीं सकते, वो हमारे अधिकार सीमा से बाहर है। यहाँ साहब कहते हैं बढ़वत बढ़ी घटावट छोटी, बढ़ाने से बढ़ती है आदत तृष्णा वासना इच्छा। आप बीड़ी पी पी करके बीड़ी की तृष्णा को बीड़ी की वासना को समाप्त नहीं कर सकते, रास्ता ही नहीं है वह। आप सोचेंगे कि खूब बीड़ी पी लूँ खूब बीड़ी पी लूँ खूब बीड़ी पी लूँ, इतना पीऊँगा कि छक जाएगा मन, नहीं संभव नहीं है। बढ़ती जाए कोई भी आदत हो, देखने की सुनने की खाने की पीने की चखने की छूने की कोई भी आदत, जितना आप उसे ग्रहण करते जाएंगे कि इस विषय को आदत और बलवती होती जाएगी, तृष्णा बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। इसलिए भर्तृहरि ने कहा भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोगों को मैंने नहीं भोगा, भोगों ने ही मुझे भोग डाला। भोगों को भोगते भोगते शरीर की शक्ति क्षीण हो गई, लेकिन तृष्णा शांत होने का नाम नहीं लेती है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा जीर्ण नहीं हुई शरीर ही जीर्ण हो गया, शरीर ही कमजोर हो गया। इसलिए कबीर साहब ने व्यंग किया है मुख के दांत गए कहा भव बौरे, भीतर दांत लोहे के हो, फिर चना चबाए विषय के काम क्रोध मद लोभ के हो। तन की सकल संज्ञा घट गई मन ही दिलासा दूना हो। साहब कहते हैं तुम्हारे मुख के दांत टूट गए हैं तो इससे क्या होता है, भीतर तो अभी तृष्णा के मजबूत दांत बने हुए हैं जिससे फिर काम क्रोध लोभ आदि के चने तुम चबा रहे हो। कितने ऐसे लोग होते हैं
सुपारी खाने की, पान खाने की आदत है, दांत सड़ करके गल गए हैं और सुपारी या पान चबा नहीं पाते हैं तो खरल से कूड़ करके सुपारी खाते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं आप लोगों ने देखा होगा, बूढ़े हैं, पान खाने की आदत अब चबा नहीं सकते, तो अपने बेटे को या पोते को कहते हैं बेटा ये पान ले लो, तुम चबा लो, चबा कर मेरे मुख में डाल दो। ये तृष्णा है। साहब कहते हैं ये मत समझना कि तुम्हारे मुख के दांत टूट गए हैं, तो अब ऐसा नहीं, भीतर जो लोहे के मजबूत दांत है तृष्णा के, ये टूटे नहीं हैं। अब जब तक तृष्णा के दांत टूटेंगे नहीं तब तक मन दौड़ता रहेगा, ललचाता रहेगा, एक से दूसरे, दूसरे तीसरे भोग के चिंतन में डूबा रहेगा। शरीर की संज्ञाएं घट गई, शरीर का बल घट गया, शरीर निस्तेज हो गया, लेकिन मन ही दिलासा दूना हो। मन की जो दिलासाएँ हैं, उमंगे हैं, वे दुगुनी बढ़ गई हैं। और कितने जमानों का अपेक्षा बूढ़े और ज़्यादा लोभी बन जाते हैं, मोही बन जाते हैं, बैठ कर के रहना वे जानते ही नहीं हैं। सदगुरु कहते हैं बढ़वत बढ़ी, भोगों को भोगते जाने से तृष्णा आदत बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। वहाँ विश्राम कहीं है ही नहीं, वहाँ संतोष कहीं है ही नहीं, कोई भी हो। सम्मान पाने की तृष्णा है। कितने ऐसे संत महात्मा हैं जिन्हें सदैव शिकायत रहती है कि जैसा चाहिए वैसा मेरा सम्मान करना लोगों को आता नहीं, जानते ही नहीं ये, चाहे कितना सम्मान उनका हो जाए, कितनी पूजा कर लो, उनका मन संतुष्ट नहीं होता है। ये तृष्णा का अर्थ ही है जो संतुष्ट होना ना जाने। संतोष से ही तृष्णा बुझेगी, विवेक से तृष्णा बुझेगी, भोगों को भोगने से नहीं, बाहर से बटोरते जाने से नहीं। निर्धन ये कछु धन चहे, धनिक चहे विशेष, विशेष हो विशेष चहे, खोवन चहे नरेश, नरेश चहे इंद्रपद, इंद्र चहे रणजीत। सूरपति जो है यह तृष्णा की साहब अंत में कहा है कि तृष्णा बढ़ती जाती बढ़ती जाती। जैसे मैंने कहा था कि आप आग में घी की आहुति डालो तो आग बुझती नहीं है, ऐसे तृष्णा बिना संतोष के जल के बुझती नहीं है। हम तृष्णा बनाना, आदत बनाना जानते हैं, मिटाना नहीं जानते। लेकिन साहब ये भी कहते हैं घटावट छोटी बढ़वत घड़ी बड़ी, घटावट छोटी। प्रबल निश्चय कर लो और अपनी आदत, भोगों की जो लालसाएं हैं उनके प्रति प्रबल घृणा दृष्टि हो जाए, दुख दृष्टि हो जाए, और दुख दृष्टि के साथ साथ दृढ़ निश्चय ठान लो, फिर आदत धीरे धीरे पूरी के पूरी मिट जाएगी। जो व्यक्ति 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल से तंबाकू खा रहा था, बीड़ी पी रहा था, सुख की निश्चयता है, समझ हुई या किसी ने बताया, निश्चय कर लिया, छोड़ दिया, अब ऐसा छूटा कि बीड़ी की ओर देखने उसका मन, बीड़ी का धुआं भी उसे सहन नहीं होता, तंबाकू की गंध भी उसे सहन नहीं होती। निश्चय है कभी भी आदमी को
हिम्मत नहीं हारना चाहिए कि हमारी आदत तो बहुत बिगड़ गई है, कैसे ये आदत छूटेगी। एक साधिका को चाय पीने की आदत, अनेक लोगों ने कहा कि साधिका तुम चाय ना पियो, कहते थे कि चाय न जब नहीं पीऊंगा तो माथे में दर्द होता है, पेट फूलता है, शौच साफ नहीं होता है। बहुत लोगों ने समझाया लेकिन एक न एक बहाना, जैसे बिना चाय के तो मैं रह ही नहीं सकती है, सबने समझाया। लेकिन बहुत पहले की बात है, अफवाह उड़ी कि चाय पत्ती बनाने वाले लोग गांव-गांव जो लोग घूमते रहते हैं, ये चप्पल और जूता बटोरते रहते हैं जो कबाड़ी लोग, ये चाय पत्ती बनाने वाले लोग जो पुराने पुराने चप्पल जूता है उसको बुला उसको ले मंगा लेते हैं, खरीद लेते हैं और मशीन में बुरादा बना करके चाय में मिला देते हैं। सुनी तो उसी दिन से चाय की आदत छूट गई, अब न पेट फूले न कुछ न हो, दुख निश्चय हो गया। तो निश्चयता की कमी होती है, ठान ले आदमी, निश्चय कर ले चाहे जैसा हो मुझे यह काम नहीं करना है, जो आदत मैंने बनाई है नहीं बनाने। एक संत ने लिखा है कि मैं एक जगह था, उनका सत्संग का प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा था, उन्होंने लिखा कि एक जगह था मैं अपने आसन में बैठा था तो एक युवक आया 28-30 साल का, बातचीत हुई तो मैंने पूछा बेटा क्यों आए हो, तो उन्होंने कहा महाराज संकल्प लेने के लिए आया हूँ, आप मुझे संकल्प दिलवा दें, एक व्रत दिलवा दें। कि किस चीज़ का संकल्प? मैं सिगरेट पीता हूँ और सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, आप मुझे सिगरेट छोड़ने का एक संकल्प और व्रत दिलवा दो। संत ने पूछा कितना सिगरेट पीते हो, उन्होंने कहा दिन भर में 70 सिगरेट पीता हूँ, 70 सिगरेट एकदम चेन स्मोकर का। इतना पीता हूँ? हाँ महाराज इतना पीता हूँ, कई दिन से आपका प्रवचन सुन रहा हूँ, खिड़की किनारे बैठता हूँ, सिगरेट भी पीता हूँ, फोन करके फेंक देता हूँ बाहर, आपको पता नहीं चलता, लेकिन मैंने निश्चय किया मुझे सिगरेट छोड़ना है, गलत है। क्या छोड़ पाओगे? कि आप संकल्प दिलवा दें, आप संकल्प दिलवा देंगे तो छोड़ दूंगा। महाराज ने तो पानी लिया, मंत्र पढ़ा, कहा जाओ, संकल्प ले लिया सिगरेट छोड़ने का। अब 70 सिगरेट पीने वाला, सिगरेट तो अब उसके खून में बस गया ना, उसका जहर, उसकी आदत। महाराज जी चले गए अन्यत्र, 8-10 दिनों के पश्चात जहाँ संत थे वहाँ एक व्यक्ति आया, और तमाम लोग बैठे थे बात कर रहे थे, वहाँ एक व्यक्ति आया, चेहरा सूजा हुआ, चेहरे में जगह जगह घाव, मस्तक में पट्टियाँ बंधी हुई कई जगह, बैंडेज लगा पट्टी बांधे हुए थे, हाथ पैर भी सूजे हुए, उसमें भी कई जगह घाव। सब लोग चले गए, वो बैठा रहा, तो महाराज ने पूछा बेटा तुम कौन हो, कैसे आए हो? तो उन्होंने कहा महाराज आप मुझे पहचानते हो? कि नहीं बेटा पहचानता तो नहीं हो, तुम लगता है कि तुम मुझे पहली बार मिल रहे हो। थोड़ा नज़दीक गया, महाराज देखिए आप मुझे पहचानते हैं? महाराज ने देखा कहा नहीं बेटा नहीं पहचान रहा हूँ। और नज़दीक गया, महाराज देखिए आप मुझे पहचानते हैं? नहीं पहचान, कहीं मिला नहीं मिला हूँ। महाराज ने कहा नहीं मुझे ख्याल नहीं है तुम कभी मुझे मिले होगे। उसने कहा महाराज मैं वही हूँ जिसे आपने 10 दिन पहले सिगरेट छोड़ने का संकल्प दिलवाया था। कह रहे वो क्या हो गया तुम्हें, क्या कोई दुर्घटना घट गई थी क्या, कोई एक्सीडेंट हो गया? इतने हाथ पर सूजे हुए हैं, जगह जगह घाव है, चोट है, चेहरे में घाव है, चोट है, सिर इतना फूटा हुआ है, क्या हो गया? कह महाराज ये सिगरेट छोड़ने का परिणाम।
ये कैसे महाराज? सिगरेट 70-70 सिगरेट पीता था, वो तो मेरे खून में बस गया था उसका धुआं, उसकी आदत। जब सिगरेट छोड़ दिया तो एकदम मेरा सिर घूमने लगा, चकराने लगा, ऐसा लगा मैं घर में गिर पड़ूंगा। बहुत परेशानी, बहुत परेशानी हुई, इतनी परेशानी हुई महाराज कि अपना सिर में दीवार में मारने लग गया, हाथ पैर को ऐसे कि कोहनी को हाथ को दीवार में मारता था कई जगह, और उसी सिर में टकराते टकराते इससे मेरा सिर फट गया कई जगह। मेरी पत्नी घबरा गई, उसने कहा अरे तुम क्या कर रहे हो, फिर से सिगरेट पीना शुरू कर दो तो मर जाओगे। कहा कि मर भले जाओ लेकिन मैंने संकल्प किया है छोड़ने का, नहीं पीना है, शरीर छूटेगा छूटेगा लेकिन सिगरेट नहीं, सिगरेट छोड़ करके रहूँ या तो सिगरेट छूटेगा या तो शरीर छूटेगा। हमारा 2-3 दिन बड़ी परेशानी हुई, न भूख लगे न नींद लगे न शौच हो गए कुछ नहीं। लेकिन तीसरे दिन परेशानी घटी, चौथे दिन परेशानी घटी, पांचवे दिन तो और एकदम, अब महाराज एकदम खत्म। 70 सिगरेट पीने वाला व्यक्ति छोड़ सकता है, आदमी में महान बल है समझ ले तब। इसलिए किसी भी व्यक्ति में कोई भी गलत आदत है उसे घबराने की आदत की आवश्यकता नहीं है, निश्चय कर ले। सदगुरु कहते हैं घटावट छोटी, घटाने से आदत घटती चली जाती है, घटते घटते पूरे की पूरी आदत मिट जाती है। बस दुख दृष्टि चाहिए, घृणा दृष्टि चाहिए और दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चयता चाहिए। चाहे जिसकी आदत हो आप उस आदत को मिटा करके पूरे से पूरे उससे मुक्त हो सकते हैं और पूरा का पूरा निर्मल निर्विकार सहज जीवन जी सकते हैं। परखत खरी परखावत खोटी, कितनी ऐसी बातें होती है, एकाएक हमारे समझने में लगता है कि ये बात सच है, बात ऐसी ही होनी चाहिए, इसके अलावा का दूसरी बात हो ही नहीं सकती। लेकिन परखावत खोटी, जब हम अनुभवी लोगों से विशेषज्ञों से बुजुर्गों से परखाते हैं तब अपनी कितनी बातें कितनी मान्यताएं कितनी धारणाएं खोटी सिद्ध हो जाती ठहरती हैं। इसलिए किसी बात को लेकर किसी आदमी को हठी नहीं होना चाहिए, ये ऐसा ही हो सकता होगा, हठ नहीं करना है। यदि हमारी बात सच भी है तो भी हमें हठ नहीं करना है, विनम्रता पूर्वक कहना होगा मैं ऐसा समझता हूं, आप इस पर विचारें और समझें। अपने कितनी ऐसी मान्यताएं होती है, कुछ ऐसे निर्णय होते हैं, अभी हमने निर्णय कर लिया, 4 घंटे बाद लगता है कि नहीं मेरा निर्णय गलत है, इस काम को ऐसे कहना, इस काम को ऐसे करना चाहिए, इस बात को ऐसे कहना चाहिए था। इसलिए हठी ना हो, परखाएं। परखाने में कोई तौहीनी नहीं है, पूछने में कोई तभीनी नहीं है, ये नहीं समझना चाहिए कि हम पूछेंगे तो लोग हमें क्या समझेंगे, अनाड़ी समझेंगे, समझने दो, हमारे मन का भ्रम तो कट जाएगा ना। अपने से जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं ज्ञानी हैं साधना परायण हैं उनसे तो हमें अच्छी राय मिलती ही है, अच्छी सीख मिलती है, अपने से जो छोटे हैं उनसे भी अनेक बातों में अच्छी सीख मिलती है। जिस बात को हम नहीं जानते, जिसके बारे में हमारा पूरा ज्ञान नहीं अनुभव नहीं है, दूसरों को उसे पूछने में संकोच क्यों, लज्जा क्यों? नहीं पूछेंगे तो हमारा मन संदेहशील बना रह जाएगा, उस बारे में हम अनभिज्ञ बने ही रह जाएंगे। इसलिए
सदा परखते रहने की और परखाते रहने की आवश्यकता है। परख परखावन जीवन केरा, यह व्यवहार यथार्थ निवेरा। परखते रहना है विनम्रता पूर्वक, जिज्ञासु बन करके, जीवन पर्यंत सीखना है, जीवन पर्यंत सीखना है। कभी किसी आदमी को ये नहीं समझना चाहिए कि जितना जानना था वो तो मैंने जान ही लिया। हाँ, अध्यात्म में स्वरूप का बोध हो गया वो अलग बात है, लेकिन बाहरी बातों में हर आदमी सदैव जिज्ञास जीवन पर्यंत बने रहना चाहिए। हमें परखना है, दूसरे को आ जाए उसे अपनी बात बता देना है। तो परख परखावन जीवन केरा, परखते रहना है, परखाते रहना है। यही सदगुरु कहते हैं, यह व्यवहार यथार्थ निवेरा, इस व्यवहार से यथार्थता का सत्य का निर्णय होता है। परखते और परखाते रहने से मन की भ्रांतियां दूर होती रहती है। अनेक प्रकार की भ्रांतियां बीच बीच में मन में आ जाती है, हर विषय में आ जाती है, इसलिए परखते रहना है, परखाते रहना है। और यदि हमने संकोच कर लिया, लोग हमें क्या कहेंगे, हम इतने दिन के साधु हैं, हम तो इतने बड़े प्रवक्ता हैं, हम तो गुरु बन गए, हम तो महंत बन गए, मैं तो घर का मालिक हूँ, मैं तो पिता हूँ, अपने बेटों से कैसे पूछूँ, अपने गुरु सोचे अपने शिष्यों से कैसे पूछूँ। तो फिर हम बीच में रुक जाएंगे, चाहे बेटा हो, चाहे शिष्य हो, चाहे गुरु भाई हो, चाहे कोई हो, हमसे अधिक जो जानता है उसे पूछने में संकोच क्यों। उपनिषदों में अनेक जगह ये कथा आती है, बड़े बड़े ऋषि हैं, किसी गुरुकुल के कुलपति हैं, आचार्य हैं, उनके पास अन्य ऋषि या जिज्ञासु अपनी जिज्ञासा लेकर के आते हैं, भगवान अमुक के बारे में पूछना है। ऋषि कहते हैं, इसके बारे में तो मैं खुद ही नहीं जानता, मुझे खुद पता नहीं है। अच्छा चलो अमुक के पास चलते हैं, और खुद ही उसके गुरुकुल में सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, कुलपति है, लेकिन वो निसंकोच होकर विनम्र बन करके अन्य जो ऋषि होते हैं उनके पास जाते हैं, पूछते हैं। इसलिए जीवन पर्यंत पूछते पूछने की परखने की आवश्यकता है। संकोच में पड़ गए तो भटक जाएंगे। साहब ने भी कहा है, खरा खोट जिन नहीं परखाया, चाहत लाभ तिन मूल गमाया। जिन्होंने खरा और खोट की परख नहीं करवाई, वे चाहते तो लाभ हैं लेकिन अपने मूलधन विवेक को खो देते हैं, आत्मधन को खो देते हैं। तो जिंदगी भर परखना है, जिंदगी भर। अनेक ऐसी शंकाएं मन में आ जाती है, मन के पूर्व संस्कार उदित हो जाते हैं, हमें रास्ता नहीं मिलता। तो अनुभवी साधना परायण जो संत गुरु जन है उनसे अपने मन की बात खोल करके पूछने में संकोच क्यों। आप पूछते जाएं, पूछते जाएं, पूछते जाएं, पूछते पूछते आप नहीं पढ़े हैं, अनपढ़ भी हैं, आप पढ़े नहीं अनपढ़ हैं, लेकिन ये संकोच पूछना शुरू कर दो, और जो उत्तर मिले उसे समझना और ग्रहण करना शुरू कर दो। पूछते पूछते आप एक दिन विद्वान हो जाएंगे। पूछता नर पंडिता, ये गुजराती में कहा जाता है, पूछता नर पंडिता, पूछते पूछते आदमी पंडित हो जाता है।
सदगुरु कहते हैं खरा खोट जिन नहीं परखाया, चाहत लाभ तिन मूल गमाया। जिन्होंने खरा और खोट की परख नहीं करवाई, वे चाहते तो लाभ हैं, शांति चाहते, सुख चाहते हैं, कल्याण पथ में चलना चाहते हैं, लेकिन अपना मूलधन विवेक भी खो बैठते हैं। यहाँ तो साहब कहते हैं परखत खरी परखावत खोटी, अपनी कितनी मान्यताएं, धारणाएं, विश्वास, अपने निर्णय, लगता है कि यही सही है, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन जहाँ बुजुर्गों से, विद्वानों से परखाते हैं, संबंधित क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, उनसे परखाते हैं, तब हमारी मान्यताएं, हमारे निर्णय खोटे सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए जिज्ञास बने रहने की आवश्यकता है। हर उम्र में पूरी जिंदगी सीखते रहने की आवश्यकता है। आगे साहब कहते हैं केतिक कहां कहां लो कही। सदगुरु कहते हैं कितना कहूं, कहां तक कहूं, समझाने की बताने की भी एक सीमा होती है। हर महापुरुष को हारना पड़ा है। महापुरुष देखते हैं कि हम समाज के लोगों को सही रास्ता बता रहे हैं, जिज्ञासुओं को समझा रहे हैं, फिर भी इन्हें अपेक्षित सुधार दिखाई नहीं पड़ता, तब लगता है कि मेरा हमारा कहना बेकार है, निरर्थक है, समय बर्बाद करना है। जब लोग सुधार करना ही नहीं चाहते, अपनी लीक छोड़ना ही नहीं चाहते, तो क्या करेंगे समझा करके। हर महापुरुष इस स्थिति से गुजरे हैं, कोई भी हो, चाहे तो बार बार कहते हैं, संतों देखा जग बौराना, सांस कहे तो मारन धावे झूठे जगपति आना। संतों बोले तो जग मारे, या जग अंधा में कही समझाऊं, अनेक जगह साहब ऐसा कहते हैं, क्योंकि उनकी बातें एकदम धारदार होती थी, निखालिश सत और कोरा सच आदमी को जल्दी हजम नहीं होता है। झूठ के रास्ते पर चलते चलते, झूठी बातों को मानते मानते और स्वयं झूठ का आचरण करते करते, झूठ बोलते बोलते हमारा हाजमा इतना खराब हो गया है कि सच बात पचती नहीं, से सत्य हजम नहीं हो पाता, एकदम गरिष्ठ हो जाता है। ये तो बिहार में भी कई बार देखा जाता है, जैसे कोई ग्वाला है, दूध बेचता है, दूध में रोज पानी मिला करके बेचता है। अब वो पानी मिले हुए दूध लोग पी रहे हैं, अब पीते पीते वैसे आदत हो गई। एक दिन ग्वाला के मन में हुआ कि इतने दिन हो गए दूध में पानी मिलाते मिलाते, चलो आज पानी नहीं मिलाऊंगा, या पानी मिलाना भूल गया, या सोचते अब पानी नहीं मिलाया, अब शुद्ध दूध दे दिया। अब मिलावटी दूध पीने की आदत, शुद्ध दूध पिया, हजम हुआ नहीं, लोग कहते हैं पता नहीं ग्वाला क्या मिला दिया था पानी दूध में, पछी नहीं रहा है, शुद्ध दूध दिया कहेगा आज लगता है मिलावटी दूध दे दिया था वो। ऐसे होता है, ऐसे ही झूठ के रास्ते पर चलते चलते, झूठी बातों को मानते मानते, झूठ में जीते जीते हमारा मन इतना कमजोर हो गया है कि सच बात हमें हजम नहीं होती, स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं हम कि बात हाँ सच ऐसे है। इसलिए हर महापुरुष अपने पर खींचते हैं। वेद व्यास जी को कहना पड़ा था ऊर्ध बाहुर मृम में तद न में कचि शरण होती है, धर्मादर्श कामस कस्मात धर्मो न सेव्यते,
वेद व्यास जी कहते हैं कि मैं अपने दोनों हाथ उठा करके कह रहा हूँ, मतलब खुद जोर से भीड़ में उठा करके, भीड़ में दोनों हाथ उठा करके कह रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। वेद व्यास जी को कहना पड़ा कि मैं कह रहा हूँ धर्म के रास्ते पर चल करके ही लौकिक सुख और पारलौकिक सुख दोनों प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन मेरी बात कोई सुनता नहीं है। गोस्वामी जी को कहना पड़ा तुलसी सठ की को सुने कलि कुचाल पर प्रीत। तुलसीदास जी कहते हैं ऐ तुलसीदास तेरे जैसे सठ की बात कौन सुनेगा, अपने को सठ कहते हैं वो, क्योंकि लोगों को तो कुचाल पर ही, उल्टे आचरण पर, उल्टे कर्म पर ही प्रेम है, तुम्हारी बात कौन सुनेगा। और फिर जो परंपरा की बात कहने वाले हैं तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं, फिर कबीर साहब जो परंपरा से हटकर कहते हैं उनकी बात तो और लोगों को कहाँ हजम होगी। साहब कहते हैं केतिक कहो कहाँ लो कही, कितना मैं कहूँ, कहाँ तक कहूँ, बात नहीं मानते। लेकिन साहब हारते नहीं, थकते नहीं हैं, यहाँ तो कह देते हैं कि केतिक कहो कहाँ लो कही, कितना कहूँ कहाँ तक कहूँ, लेकिन फिर कहते हैं ध्यान देना औरों को हो पड़े जो सो ही, तुम्हारा मन सुनने का न हो तो अभी मैं बोलने को तैयार हूँ। सत्य का जिज्ञासु मिले, साहब कहते हैं मैं अभी भी समझाने को तैयार हूँ, बस तुम्हारा मन सुनने का होना चाहिए। कभी भी ये नहीं मानना चाहिए कि सत्संग में जितने लोग आते हैं सब के सब एक बार में कौवा से हंस बन जाएंगे। ये धोखा प्रवक्ता लोग पालते हैं, हम लोग उसी में आ जाते हैं ना, हम लोगों को जगा रहे हैं। अरे अपना जागदा भैया बहुत पर्याप्त है, बाकी कौन किसको जगा सका है, बता दो राय दे दो। अहंकार नहीं करना चाहिए हमने इतने लोगों को जगा दिया, जगने वाला स्वयं जगता है। लेकिन कम तो इतना तो है, उसका मन सुनने का तो है, ज्ञान की बातें सुनने वाले ही कम है ना। आप लोग इतने लोग आए सुनने के लिए, बहुत बड़ी बात है। कितना मानता है कोई, कितना नहीं मानता है, कम सुनने के प्रेम है। दो घंटा सुने, तीन घंटा सुने, उतना समय तो अच्छा हुआ। आप यहाँ आए हैं 8 दिनों के लिए, किसका मन कितना रुका, कितना नहीं रुका, कितना लाभ हुआ नहीं हुआ, वो तो व्यक्तिगत सबका अपना अनुभव। लेकिन कम से कम 8 दिन बराबर ज्ञान की बातें सुनते रहे, इस वातावरण में बैठकर, संत आश्रम में बैठकर, संतों के बीच रहकर बैठने का अभ्यास करते रहे, यही बहुत बड़ी बात है। इतना तो आपने किया, इस 8 दिन का समय तो निकाला। तो यहाँ तो बात है, सद्गुरु कबीर कहते हैं यदि तुम्हारा मन सुनने का हो तो अभी भी मैं सुनाने को तैयार हूँ। क्यों साहब सुनाने को तैयार हैं, केतिक कहो कहाँ लो कही औरों कहो पड़े जो सही, कहे बिना मुहे रहना जाए। साहब कहते हैं मेरे कहे बिना मेरा मुझे रहता भी नहीं है। किसी ने बोला महाराज क्या पेट फूल रहा है क्या, जो बिना कहे आपको रहना संभव नहीं होता है। साहब कहते ऐसी बात नहीं है, साहब कहते हैं बिना कहे चुप होकर तो मैं बैठ नहीं सकता। क्यों, बिरही ले ले कुकुर खाई। कोई आदमी है बिरही बना रहा है, मतलब दल भरी पूड़ी बना रहा है, दल भरी पूड़ी, उधर पूड़ी बनाता जा रहा है, रड़ता जा रहा है, पीछे कुत्ता आकर के खा रहा है। मैं मुझे कहना पड़ता है अरे तुम्हारी दल भरी पूड़ी कुत्ता खा रहा है, बताना पड़ेगा, इसलिए मुझे चुप कैसे रहो न, अभी चुप रह जाऊं उसकी सारी पूड़ी को तो कुत्ता खा जाएगा। तो यहाँ समान जो दलभरी पूड़ी है या कुत्ते की बात नहीं है, बिरही ले ले कुकुर खाई। हर आदमी बिरही बना हुआ है। बिरही कौन है, जो अपने प्रियतमा से बिछुड़ गया है, जिसे लगता है कि
मेरा जो प्रिय है, मेरे जो प्रियतमा है, मेरी जो प्रेमिका है, मेरा जो पति है या कोई भी है, जो मेरा जो मालिक है, वो मुझसे बिछुड़ गया है। अपने को अपने प्रिय से जो बिछड़ा हुआ मानता है उसे कहा जाता है विरही। विरह प्रिय के वियोग में मन की जो पीड़ा है, उस प्रिय के वियोग से होने वाली पीड़ा को विरह कहा जाता है, और उस विरह से जो पीड़ित है उसको विरही कहा जाता है। हर आदमी विरही है। किसका विरही है? सुख का विरही है, शांति का विरही है, परमात्मा का विरही है। उसे हर आदमी को लगता है कि मेरा सुख मुझसे कहीं दूर है, छीन गया है, मेरा मोक्ष मुझसे कहीं अलग हो गया, मेरा परमात्मा, मेरा खुदा मुझसे अलग हो गया है। तो सुख पाने का, मोक्ष पाने का, परमात्मा पाने का विरही बना हुआ है आदमी। हर समय मन में आदमी को एक अभाव की अनुभूति हुई है कि मेरा मूल धन, मेरा शांति धन, मेरा मोक्ष, मेरा परमात्मा कहीं बाहर चला गया, खो गया है। हर समय अभाव 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 अशांति में आदमी जी रहा है और अपने उस सुख शांति परमात्मा खोजने के लिए भटक रहा है, क्योंकि बिरही बना हुआ है। तो उस बिरही को कुकुर खाई, कुत्ता खा रहा है। ये कुत्ता क्या है? हमारा लोलुप मन, लालची मन। हमें कौन भटका रहा है? हमारा अपना मन। ये जो लोलुप मन है, विषयासक्त मन है, वो हमको खा रहा है। खाने मतलब भटका रहा है, स्थिर होने नहीं देता है। सदगुरु कहते हैं, मैं देख रहा हूं लोगों का लोलुप, लालची, विषयासक्त मन, अज्ञानग्रसित मन लोगों को जगह जगह भटका रहा है। सुख पाने के लिए, परमात्मा पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए आदमी कहाँ कहाँ सिर पटक रहा है। इसको देख करके कहे बिना मुहि रहा न जाए, बिना कहे मुझसे रहा नहीं जाता। मैं कहता हूँ लोगों को, तुम भटक रहे हो, गलत जगह में माथा टेक रहे हो, गलत जगह में तुम अपने आप को समर्पित कर रहे हो। पहले समझो तो कि तुम्हारा सुख क्या है, असली सुख, तुम्हारा मोक्ष क्या है, तुम्हारा परमात्मा क्या है। हर आदमी को समझना चाहिए, हमारा जो असली सुख है, हमारा जो असली मोक्ष है, हमारा जो असली परमात्मा है, वो हमसे कभी अलग हो ही नहीं सकता है, अलग हुआ ही नहीं है, केवल विस्मरण है। और विस्मरण होने से हमें लगता है कि वो हमसे बिछुड़ गया है। बिछुड़ा नहीं है, भूल गए हैं। याद कर ले, प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सच्चे संत नहीं मिलते हैं बताने वाले, और हमारा लोलुप मन हमारे साथ बराबर लगा हुआ है। संत मिलते भी हैं तो एकाएक उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता, हम मन के कहने में भटक जाते हैं। तो साहब कहते हैं, सुख पाने के लिए लोग पहली बात तो सांसारिकता, राग रंग, दुनियादारी, अहंता ममता में भटक रहे हैं, वहां से चाहते हैं, इंद्रियों को तेजना में, भोगों में सुख चाहते हैं। वहां से हटा भी मन तो लोग लोकांतर में परमात्मा खोज रहे हैं, लोग लोकांतर में मोक्ष खोज रहे हैं। इसलिए मुझे बिना कहे रहना संभव नहीं होता, चुप रहना मुझे संभव नहीं होता है। आखिर चुप रह जाऊं तो लोगों को सही रास्ता मिलेगा कैसे? ये संतों गुजनों की करुणा है हम लोगों के लिए। यदि हमारे पूर्वज संत गुरुजन चुप बैठ गए होते, शांत, अपना काम तो कर लिए थे, वो अपनी मुक्ति गति का काम, अपने दुख निवृत्ति का काम, बंधन काटने का काम तो पूरा कर ही लिए थे। चुप बैठ जाते कौन सा नुकसान उनका था? जिस काम के लिए उन्होंने घर छोड़ा वो काम तो पूरा कर लिया था। वो बैठे होते चुपचाप,
मुक्त होकर दुनिया से विदा हो गए होते, लेकिन वे बैठे नहीं, मेहनत किए। समाज के लोगों ने उनका अनादर किया, तिरस्कार किया, अपमान किया, उन्हें तकलीफ भी दी, रातें में रोड़े भी अटकाए, लेकिन वे रुके नहीं। क्यों? हमारे लिए उनके मन में करुणा थी, उनके मन में करुणा की धारा बह रही थी कि जिस किसी प्रकार से लोग सही रास्ते पर लगे, सही ज्ञान प्राप्त करें और सही रास्ते पर चलकर दुखों से छुटकारा पाए। इडले साहब कहते हैं, कहे बिना मोहि रहा न जाए, हमारे कल्याण के लिए वे कहते हैं, खाते खाते युग गया, बहुरी ने चेत हुआ है, कहें कबीर पुकारी के ये जीव अचेत हैं जाए। खाते खाते, भटकते भटकते, खाते खाते के दोनों अर्थ हैं, तमाम प्रकार के भोगों को भोगते भोगते, इस भोग से उस भोग, उस भोग से उस भोग, उस भोग से उस भोग, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, पांच ज्ञानेंद्रों के पांचों विषयों को हम ग्रहण करते जाए, इसमें सुख होगा, उसमें सुख होगा, उसमें सुख होगा, उसमें सुख होगा, पता नहीं किस किस में। अब ये सब खाते खाते भोगते भोगते युग चला गया, अनादिकाल का समय बीत गया, और खाते खाते भटकते भटकते, सुख खोजते, परमात्मा खोजते, मोक्ष खोजते, शांति खोजते, भटकते युग, खाते खाते युग गया, अनादिकाल का समय बीत गया। बहुरी ने चेत हुआ है, अभी भी हम चेत नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षा नहीं ले रहा है, ले पा रहे हैं। जिन भोगों से, जिस रास्ते से चल करके आज तक मुझे तृप्ति नहीं मिली, उन्हीं भोगों को भोग करके तृप्ति कैसे मिल सकती है? थोड़ा सा तो विचार करें, थोड़ा सा विवेक करें। जिस रास्ते पर चल करके मैं आज तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचा, उसी रास्ते पर फिर चलूंगा तो मंजिल मुझे कैसे मिलेगी? थोड़ा सा रुक करके विचार तो करना चाहिए, लेकिन मन रुकने नहीं देता, मन थकने का नाम नहीं लेता है, आगे आगे की आशा देता रहा, अरे अब तक नहीं मिला तो नहीं मिला, अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, आगे आगे की आशा मन देता रहता है, और कुकुर भटका रहा है हमको। तो खाते खाते युग गया, बहुरी ने चेत हुआ है, साहब कहते हैं, भटकते भटकते, इंद्रियों के भोगों को भोगते भोगते, ग्रहण करते करते अनादिकाल का समय बीत गया, तृप्ति नहीं मिली, संतोष नहीं मिला, स्थायित्व नहीं मिला, फिर भी ये लोलुप मन, अब मनवशी लोग चेत नहीं कर रहे हैं, होश में नहीं आ रहे हैं। कबीर साहब पुकार करके कहते हैं, कहें कबीर पुकार के जीव अचेत ही जाए, ये मनुष्य अचेती में जीवन को खो रहा है, अचेती में अनादिकाल का समय तो बीत ही गया। जागने की जो भूमिका है, जहां हम जाग करके अपने आप को पूरा का पूरा दुखों से मुक्त कर सकते हैं, वहां भी असावधानी में हमारा समय गुजरा जा रहा है। ठोकर खा लिए ना, अनुभव कर लिए, तब भी तो जागना चाहिए। कहा जाता भी कि भी अनुभव नहीं हुआ है, ठोकर नहीं लगी है, तो आदमी जगे कैसे? लेकिन अनेक बार ठोकर खाए, अनेक बार धोखा खाए, अनुभव भी कर लिए, अच्छी तरह से जान भाल भी ले लिए, लेकिन अब तो जगना चाहिए। लेकिन नहीं, अभी भी वही अचेती, वही असावधानी, वही गाफली, वही आसक्ति, वही लोभ, वही मोह, वही अज्ञान की धारा, डूब रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, जागने का छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। इससे बड़ी असावधानी और हमारी और क्या होगी? हमारी इस असावधानी को देखकर ही साहब कहते हैं कि कहे बिना मुहे रहा न जाए। लोगों को गलत रास्ते में चलते हुए देख करके मुझसे चुप रहा नहीं जाता है, मैं तो बोलूंगा बोलूंगा। बोलेंगे कौन? जिनके मन में करुणा होगी,
नहीं तो क्या गलत पड़ी हुई है। जिन संतों ने, जिन गुरुजनों ने अपने माने हुए सीमित परिवार का त्याग कर दिया, उनके लिए ये पूरी दुनिया परिवार बन जाती है। इसलिए तो सदगुरु कबीर ने कहा, मैं रो यह जगत को मोको रोवे न कोई। जगत के लिए कौन रोता है? जिसके मन में किसी व्यक्ति विशेष के लिए ममता नहीं होती, मोह नहीं होता है, जो दुनिया में किसी व्यक्ति विशेष को अपना नहीं मानता, उसके लिए पूरी दुनिया अपनी हो जाती है। जिसके मन में किसी व्यक्ति विशेष के लिए ममता नहीं है, उसके मन में सब मानव मात्र के लिए ममता, किसी एक व्यक्ति विशेष पर है तो ममता है, और मानव मात्र के लिए है तो वो समता है। ममता में विषमता है और समता में शांति है। सदगुरु कहते हैं, खाते खाते युग गया बहुरे चेत हुआ है। अनादिकाल से भटकते भटकते मन की धारा में बहते बहते पूरा समय चला गया, अभी भी तृप्ति नहीं हुई, अचेतिम हमारा जीवन जा रहा है। लेकिन जो चला गया तो चला ही गया, लौट करके वो भी आ नहीं सकता। अभी कितना हम जिएंगे कह नहीं सकते, लेकिन अभी हम निश्चय कर लें, दृढ़ निश्चय कर लें, तो अभी भी हम अज्ञान की नींद तोड़ सकते हैं और पूरा पूरा जाग सकते हैं। और साहब ने कहा ना, घटावट छोटी, अपनी सारी की सारी आदतों को, सारी आसक्तियों का, अहंता ममता को हम पूरा का पूरा मिटा करके पूर्ण शुद्ध होकर जीवन जी सकते हैं। इसी के लिए सत्संग का आयोजन होता है, इसी के लिए अन्य साधनाओं का आयोजन होता है, और यही हमारे लिए गुरुजनों का आदेश है। उनकी बातों को हमें समझना है और समझ करके जाकर सावधानी पूर्वक उस रास्ते में चलते रहना है। निश्चित है जो हम चाहते हैं वो इसी जीवन मिल जाएगा, उसका अनुभव हो जाएगा। सदगुरु कबीर की एक छोटी रमैनी मैंने कही, बढ़वत बढ़ी घटावत छोटी, परखत खरी परखावत खोटी, कितिक कहो कहाँ लो कही, औरों कहो पड़े जो सही, कहे बिना मोहि रहा न जाई, बिरही ले ले कुकुर खाई। खाते खाते युग गया बहुरी नचेत हुआ है, कहें कबीर पुकार के जीव अचेत हैं। जा जो गया सो गया, अब राख रही को, जितना गया सो गया, जो बचा है उसको हम संभाल करके रख लें, तुम्हारी सारी दृढ़ता दीनता मिट करके पूरी शांति का अनुभव कर सकते हैं। थोड़ी देर, 5 मिनट आप शांत होकर के बैठें।